आजकल के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि कंपिटिटिव एग्जाम्स को बीट कैसे किया जाए, तो बिगनर्स को क्या करना है और एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स को क्या करना है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे यहाँ पे। तो डूज एंड डोंट्स क्या क्या है। सबसे बड़ी गलती बच्चे जो स्टूडेंट्स करते हैं कि सिलेबस निकालते हैं गूगल से। ध्यान रखिए बच्चे, आपको सिलेबस जो है वो गूगल से नहीं निकालना है, आपको क्या करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहां से सिलेबस निकालें। इसके अलावा बच्चे आप एक मॉक टेस्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप बिगनर हैं तो एक मॉक टेस्ट निकालें, उस मॉक टेस्ट को सॉल्व करें। आप ये देखें कि आपकी प्रेपरेशन जो है पहले से ही किस लेवल की है। अपने आप को सबसे पहले एनालाइज करें आप, उसके बाद आपने क्या करना है सिलेबस को चेकआउट करना है कि इसमें आपको करने के लिए क्या क्या है। थ्रू आउट द जब भी आप तैयारी करेंगे ना तो आपको दो तीन चीजें मिलेंगी यहां पे, उन पे आपको विचार करना है कि उसमें से आपको क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहले कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं मस्ट क्वेश्चंस, जो बच्चे हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं बड़े सारे एग्जाम्स के अंदर। अगर मैं बात करूं आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉक टेस्ट निकालेंगे ना तो आप पाएंगे कि ये वाले क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे हम कहेंगे मस्ट क्वेश्चन। इसे आप जरूर करें, अच्छे से करें, अपनी लिस्ट में शामिल कर लें, अपने नोट्स बनाएं कि इसके क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। फिर आता है शुड। शुड यानी ये मुझे करना चाहिए, अक्सर पूछते रहते हैं एग्जाम्स के अंदर। और इन द लास्ट शुड नॉट, कि ये मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है, कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता ये बात। इसके अलावा बच्चे जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आज के समय में बनी हुई ना वो है मोबाइल, जो आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है पढ़ने के लिए, है ना। पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा जो क्रिएट कर रहा है वो क्या है, मोबाइल फोन। तो मोबाइल आर नॉट मीन्ट फॉर द स्टडी, बच्चे पढ़ने के लिए बिल्कुल भी यूज ना करें। जिस समय आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने मोबाइल को थोड़ी देर के लिए साइलेंट करके साइड में रख दें। एटलीस्ट जो आपका टाइम टेबल बना हुआ ना कि मुझे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ना है, उतने समय के लिए मोबाइल से दूर रहें। जो बच्चे एक्सपीरियंस्ड है, सिलेबस जिन बच्चों ने कर लिया, एक बार अपना सिलेबस अपने हाथों से निकालने के बाद आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा। उसके लिए आप मॉक टेस्ट लगाएं ज्यादा से ज्यादा, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करें। देखें कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम है ना उसमें प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पैटर्न पता लगेगा कि रिसेंट पैटर्न क्या चल रहा है किसी भी एग्जाम को लेके, किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, किस तरह मुझे उन्हें अटेम्प्ट करना है ताकि विद इन द टाइम हमारा पेपर जो है कंप्लीट हो सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना सर्कल जो है बच्चे लिमिटेड रखें, लिमिटेड सर्कल में रहें। ज्यादा फ्रेंड सर्कल आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो एक लिमिटेड फ्रेंड सर्कल रहें और उनके साथ मिलके पढ़ें।